चांगला कारभार आहे. अच्छा. अरे जीवनात येऊन राजगिरी मध्ये येऊन शेतीसाठी जोरधंदा उभा कर रहा. अच्छा अच्छा. माझी अशी अपेक्षा आहे, भावना आहे. तो आपने कितना भैंस लिया है? मैं 10 लिया है. 10 भैंस ये इस साइड वाली. ये 10 भैंस लिया है. ये भाई साहब भी साथ में आए. अपना नाम और बताओ, क्या नाम है? चंद्रकांत निजवंती. और अडोलती. सभी भाइयों को राम राम जी, नमस्कार. आज की एक और बहुत शानदार वीडियो लेके आ रहे हैं राज डेयरी फार्म से. महाराष्ट्र के भाई साहब भी आए हुए हैं अपने पास में. पूछेंगे कहाँ से आए हैं. लगभग आप देख पा रहे हैं वीडियो में 30 भैंस जा रही है महाराष्ट्र में, सांगोला, पूना और लातूर में. तो लातूर से ये भाई साहब आए हैं, खुद खरीदी इन्होंने. तो नमस्कार भाई साहब. नमस्कार. नमस्कार जी. नाम क्या है जी अपना? मेरा नाम है रजाक नवाब में देशमुख. अच्छा अच्छा. कौन सी जगह है अपनी? जगह कौन सी अपनी जगह? हाँ यहाँ राज. नहीं नहीं, आपके इधर का एड्रेस बताओ. वो जो बता रहा हूँ ना, मेरा नाम है रजाक नवाब में देशमुख. हाँ हाँ. रहनार हडोलती. अच्छा. हाँ. जिला लातूर. हाँ हाँ. हाँ. तालुका अहमदपुर. अच्छा अच्छा. तो कैसा लगा भाई साहब यहाँ पे आके? अरे ये राजडेयरी वाला बहुत बढ़िया लगा. अच्छा. हम गंगानगर आ गए थे. हाँ. वहाँ से यहाँ आ गए. अच्छा. उधर पसंद नहीं आया आपको? अरे उधर पसंद नहीं आया. तो आप हमारी भैंस कैसी लगी? अच्छा लगी. एक नंबर की. अरे कारोबार बहुत सही है. अच्छा अच्छा. तो मराठी भाषा में क्या कहोगे आप अपने बारे में? तुम्हारा तुम तो जो है कारोबार है ना. हाँ हाँ. ये अच्छा है, चांगला कारोबार है. अच्छा. अरे जीवनात येऊन राजगिरी मध्ये येऊन शेतीसाठी जोरधंदा उभा कर रहा. अच्छा अच्छा. माझी अशी अपेक्षा आहे, भावना आहे. तो आपने कितना भैंस लिया है? मैं 10 लिया है. 10 भैंस ये इस साइड वाली. ये 10 भैंस लिया है. ये भाई साहब भी साथ में आए. अपना नाम और बताओ, क्या नाम है? चंद्रकांत निजवंती. और अडोलती. तो आप एक ही गांव के हो क्या? एक ही गांव. अच्छा अच्छा. तो ये भाई साहब भी. आपने कितना भैंस लिया? और आपने? 3. दो. अब दूसरी बारी को 10 लिएगा. अच्छा अच्छा. तो भैंसे देखो जी, बहुत ज्यादा पसंद आई है. भाई साहब बोल रहे हैं अगली बार थोड़ा बजट कम है, अगली बार 10 भैंस और लेके जाएंगे बहुत जल्द ही राज डेयरी फार्म से. तो आज 30 भैंस है जी. एक लोट जा रहा है महाराष्ट्र इनके पास में, और एक जाएगा सांगोला, और दूसरा पूना महाराष्ट्र में. बहुत अच्छी अच्छी भैंस है सारी की सारी. दिखाएंगे हर भैंस के बारे में आपको बताएंगे. शाम का टाइम है. जितने भाई साथ में जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. और राज डेयरी फार्म का जो एड्रेस है, गाँव मिंगनीखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा में. कॉन्टैक्ट नंबर लगातार नीचे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जी. ये देखें जी, बहुत शानदार जोटियाँ, दोनों पहले पहले ब्यांत की है. 6-6 दांत मुंह से है. अभी दूध निकल चुका है जी. दोनों में 15-15 लीटर दूध तैयार है. ये देखें जी, ये जाएंगी सांगोला महाराष्ट्र में. इससे आगे शाम के लगभग 6 बजे हैं जी. इस जोटी का दूध भी निकल चुका है. इसमें भी 14-15 लीटर दूध तैयार है. लगभग जो कीमत है 1 लाख से लेके 1,25,000 1,30,000 रुपये तक इन भैंसों की जो कीमत है जी. और ये देखें जी, इससे आगे 4 नंबर पे जोटी, 1,12,000 रुपये कीमत है इसकी. ये देखें जी, 4 दांत मुंह से, 1,12,000 रुपये की. अभी 14-15 लीटर दूध इसमें भी तैयार है. और ये इसका बच्चा है जी. इससे आगे एक बहुत बड़ी भैंस है जी. दोनों ये तीसरे ब्यांत की है. 17-18 किलो दूध तैयार है इस भैंस में. और एक ये पहले ब्यांत की जोटी है, 4 दांत, बहुत लंबाई ऊंचाई की. ये जा रही है पूना महाराष्ट्र में जी, जो पीछे की आप देख पा रहे हैं. इस भैंस में अभी भी 15-16 किलो दूध इसमें तैयार है जी. ये देखिए जी. और इससे आगे फिर एक ये दूसरे ब्यांत की जोटी है. अभी इसका दूध काट दिया के? दूध काट दिया ना. इसका दूध निकल चुका है जी. 15-16 किलो उसमें तैयार है. और एक ही अपने पास बुल है जी, बिक्री के लिए है. किसी भाई साहब को लेना हो तो. ये देखिए जी. और एक ये कटड़ी जाएगी जी महाराष्ट्र पूना में ही. 5 महीने की प्रेग्नेंट है. और वो जो भाई साहब बैठे हैं उनकी ये 10 भैंस है इस साइड की. ये देखिए जी, लगभग इन्होंने खरीदी है कम से कम 85,000 रुपये की, और ज़्यादा से ज़्यादा 1,10,000 रुपये की. ये दोनों जोड़ा लिया है जी, 2,10,000 रुपये की. दोनों भैंस 15-15 लीटर दूध की है जी. ये भैंस ली है 92,000 रुपये की, 92 का 92,000 रुपये की. ये देखें जी, अडर देखें आप, 15-16 किलो दूध की भैंस, 92,000 रुपये कीमत. ये देखें जी. और ये ली है 97,97,000 रुपये की. और इसमें 15 किलो दूध तैयार है जी. ये लिया है
98,000 रुपये की, 98 का। और ये भैंस लिया है जी 85,000 रुपये की, फर्स्ट बार की है। और ये कितने का लिया अपने, ये कितने का लिया सामने वाली, कितने, हाँ कितने का लिया, ये 93,000 का, 93 का, ये 93,000 रुपये की लिया जी, दोनों 93,000 की ना। ये जोटी लिया जी 105,000 रुपये की। तो जितने भी भाई हमारे महाराष्ट्र में कौन सी भी जगह, कोल्हापुर, सांगली, कराड़, लातूर, नासिक, नांदेड़, मुकरामाबाद, पूना, कौन से भी एरिया में 2, 4, 5, 7, 10 जितनी भी भैंस मंगवानी हो, राज डेयरी फार्म पे आएँ, सब भाइयों का स्वागत है जी, 2 से 3 टाइम मिल्किंग करें। और ये भाई सब आए थे अपने पास में, तो गाँव से बाहर अपना डेयरी फार्म है जी। देखिए जी छोटी सी वीडियो शाम की कवर की है राज डेयरी फार्म से, ताकि वीडियो थोड़ी छोटी बनाई है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाती है। सामने आप देख पा रहे हैं राज डेयरी फार्म, गांव से बाहर अपना ये फार्म है जी। तो कोई भी भाई महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद, पंजाब, यूपी, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कौन से भी एरिया का हो जी, सब भाइयों का स्वागत है। रवि दुआई लगी हुई है, देखिए जी बिल्कुल नरम दुआई की भैंस ली है सभी की सभी। तो कैसी लगी भैंसें, थोड़ा रेट भी आपको अंदाज़ा दिया, लगभग जो 85,000 से लेके 130,000 रुपये तक की झोटियाँ अपने फार्म पे है जी। क्योंकि जैसी क्वालिटी, जैसा दूध, वैसी जो कीमत रहती है भैंसों की। तो कैसी लगी जी वीडियो, कमेंट में बताएं। किसी भी भाई साहब को लेनी हो तो आप भी आ सकते हैं राज डेयरी फार्म पे। ये देखिए जी, तो ठीक है जी, सभी भाइयों को राम राम जी, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल।